Assalamu alaikum and welcome to this special program Q&A with PJ Mir in the special transmission. Aaj aapko jaise pata hai ke kal former secretary general of the Pakistan People's Party Jhangir Badar inka intiqal hua aur dono side ki benches ne aapne dekha hai ke jis tarah ke unke bayanat aaye aur jis tarah ke unhone unke mutalliq khiraj aqeedat pesh kiya gaya. Jhangir Badar ek aise shakhs hai और आज मैं पहली दफ़ा टेलीविज़न पे आपको बताता हूँ कि जब एआरडी की मीटिंग हो रही थी लंदन मिलेनियम होटल में तो उस वक्त पीएमएलएन और बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने साइड पे करके उन्होंने एपीडीएम बना ली. एपीडीएम बनाई तो हर चीज़ ख़त्म होगी कि जमहूरियत तो अब आएगी नहीं. और वहाँ जहांगीर बदर इन इज टिपिकल फैशन ही सेड पीजे, पंजाबी में कहते हैं पीजे तू मियाँ साहब नू जानना, वी हैव टू गेट इट बैक. सो हमने हुसैन नवाज शरीफ को कांटेक्ट किया और हुसैन नवाज शरीफ को चाइना टैंक डॉचेस्टर होटल में नीचे पहली मीटिंग हुई. दूसरी मीटिंग हुई विद द ब्लेसिंग ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो उसी चाइना टैंक रेस्टोरेंट में और कहा कि पीएमएलएन इसको वापस एआरडी में आना चाहिए. ये इनकी बैक ट्रैक, इनकी ऐसी मैं समझता हूँ कि इनकी मूवमेंट और इनका खलूस और इनका प्यार पाकिस्तान के लिए जो कि मैंने खुद देखा है फ़र्स्ट हैंड, जैसे मैंने आपको कहा है आज पहली दफ़ा बताया. तो जहांगीर बदर एक ऐसी शख्सियत थी जिनको लोग बहुत पसंद करते थे. इनका अपना एक टिपिकल एक स्टाइल था, टिपिकल इनकी अपनी फ्लैम्बोयंसी थी. और ये शौक है, इट इज़ अ शौक कि आज आप देखते हैं, ये देखें भुट्टो साहब के साथ व्हेन ही वाज अ यंग मैन. और ये पहले आदमी हैं, पहले जिनको कोड़े पड़े थे अंडर द रिजीम ऑफ जनरल ज़िया. और उसके बाद मैंने इनसे बड़ा पूछा, मैं कहा यू नो जेबी, इनको हम जेबी कहते थे, जेबी ये जब हुआ हैव यू लर्न एनीथिंग, तो कहता है यार लर्न हमने क्या किया, हमने तो जमहूरियत को पक्का किया है. तो आज रियली इट वाज अ वेरी सैड साइट कि आज हमने देखा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अयाज सादिक और दीगर और जितने भी लोग थे, चीफ मिनिस्टर सिंध he also turned up, governor punjab rajwana sahab he was also there, prime minister former president asif zardari, inke bhi aapke liye ke condolences ke message. But ye jitna kahenge politics mein, pakistan ki politics mein jo loss hua hai jahangir badar sahab ka, I think that is very saddening. Honestly ye itne hasmukh insaan the, itne acche इंसान थे कि जितना आप इनको कहें, पॉलिटिशियंस होते हैं सारे लेकिन इनको एक दूसरा रुख भी होता है जो उसी वक्त पता चलता है जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं. तो आज आई थिंक इट वाज अ अप्रोप्रिएट मोमेंट टू रिमेंबर हिम. बड़े इनके साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं, बड़ी इनके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हुई हैं, बट टुडे वी मिस हिम वेरी वेरी मच. आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपने देख लिया क्या हुआ है, नियरली 100 प्रोवोकेशंस इंडिया कर रहा है, 90 तो कर दिए उसने प्रोवोकेशंस 90. और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो और ये सिर्फ 2016 पे है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और अब ये कह रहे हैं कि 100 तक हो जाएंगी. पानी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है और आपने देखा है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक जंग की तरफ जाएं, लेकिन ये एक बड़े वो कहते हैं ना गलत फहमी में है. आज कर लें जो करना है, इन्होंने हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं और जैसे कि आपने देखा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ये वहाँ गए थे, उधर वहाँ सारे फातिहा पढ़ा और ऑफ कोर्स बेरिल हुआ. बट ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये आई थिंक ये कितनी दफ़ा देखते हो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समबडी लाइक जनरल राहिल शरीफ ही इज़ ऑलवेज देयर. कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो ये ही इज़ ऑलवेज देयर. इस पर भी आज हम बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी मईशत भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टर्बुलेंट एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हिंदुस्तान, इसकी वजह क्या है, ये वाई इज़ इट ट्राइंग टू क्रिएट these sort of diversions. जो अकलमंद दानश्वर लोग हैं वो कहते हैं कि इसलिए कि जो कश्मीर के अंदर ये जो किलिंग्स कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आज तक बच्चे कितने देर हो गई है, आज तक बच्चे अपने स्कूलों में नहीं गए, घरों के अंदर बंद हैं, ये एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. और साथ आपने देखा है कि हैवी इन्होंने आमर यूज़ किया है, हैवी मैकेनाइज आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर्स जो कि टैंक पेसिंग आप कह लें कि आर्म्स हैं वो उन्होंने यूज़ किए हैं. और अब हम देख रहे हैं कि इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट रिगार्डलेस टू से एनीथिंग, आई थिंक आर आर्मी इज़ क्वाइट इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दीज
मैं तो उनको फौज भी नहीं कहूँगा, मैं तो उनको कहूँगा बैंडिट्स. सो दीज बैंडिट्स बेसिकली आर नो वर्स देन द तालिबान्स. ये हमें कहते हैं ये नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मदरशिप है. आई थिंक द मदरशिप एंड द कैप्टन ऑफ टेररिज्म एक्चुअली इज़ इन इंडिया, जो कि आज आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हो कि एक प्रोवोकेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल को, और आपके सामने जितना भी आपके यहाँ काम है, बट दे वी आर दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ विच वी सी टुडे. आज की डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं यहाँ जनरल ज़ाहिर, डिफेंस एनालिस्ट. उनके साथ आज मैंने बुलाया एक ऐसी शख्सियत को जो कि चेयरमैन है किसान वेलफेयर फाउंडेशन. ये इनको आज हमने बुलाया. ही इज़ है महमूद बुखारी. उनके साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट मेजर मोहम्मद ज़हीर. एंड ऑफ़ कोर्स इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर. इनसे भी हम बात करेंगे. लेकिन हमने आज बातें तो बड़ी करनी थी. एक्चुअली आई वॉन्टेड टू डू अ प्रोग्राम कि हमारी फॉलोइंग इकानमी क्या कर रही है. तो आई हैड इन्वाइटेड गौहर एजाज एंड ऑफकोर्स डॉक्टर सलमान शाह, लेकिन ये कल उनके साथ मैं प्रोग्राम करूँगा. आई ट्रबल दम अगेन, सो आई हैड टू कैंसिल दैट, बट बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ कंट्रोल बिजनेस. जल साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा. पहले तो आप यू वर अ क्लास फेलो ऑफ डॉक्टर जहांगीर बदर. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. जहांगीर बदर साहब के साथ मेरा एक बड़ा ज़ाती ताल्लुक था. नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में हमने इकट्ठे क्लास फेलो थे. वी वर देयर फॉर अबाउट 1.5 मंथ एंड ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उनका जो एक ख़ास देसी स्टाइल था, दरवेश आदमी था, वर्कर था, और एहसास कमतरी का शिकार नहीं था. वो बड़े हौसले से अपनी बात बहुत, वो देसी टाइप अंग्रेज़ी बोलते थे, इसके बावजूद बड़े हौसले से अपनी बात करते थे और बड़ी कन्विक्शन से अपनी बात करते थे. मैं समझता हूँ ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में बहुत कम हैं. उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने आखिर में देखें उनकी हिम्मत, उन्होंने डॉक्टरेट की, वो डॉक्टर बने और सेल्फ मेड आदमी थे. उनकी किताबें उन्होंने हर क्लास फेलो को अपने दस्तखतों के साथ, मुझे बड़े अच्छे रिमार्क्स के साथ, बाद में कोर्स ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे राबता रखा. एक दिन उन्होंने एक ब्रेकफास्ट पर मुझे पूरी फैमिली के साथ बुलाया. तो आई फाउंड दैट ही वॉज़ ए वेरी सिंसियर, डाउन टू अर्थ एंड ए ट्रू पाकिस्तानी. क्यों जी? जी बिल्कुल. मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि एक ऐसा बंदा जो सियासी वर्कर था और नीचे से ऊपर आया. असल बात ये, उसे बनाया नहीं गया, उसने अपनी जद्दोजहद, उसने कोड़े खा के उसने जद्दोजहद से अपने आप को मनवाया. और आप ये देखें कि सियासत में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. मैं समझता हूँ कि वो गरीबों की जद्दोजहद करते थे, वो मज़दूरों की जद्दोजहद करते थे, वो किसानों की जद्दोजहद करते थे. यकीनन उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में ही याद किया जाए. क्यों जी? जहांगीर बदर साहब पीजे ही वॉज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. मेरा बड़ा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है उनसे. ही वॉज़, सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो नॉन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियंस थे. आप देखें उनके नमाज जनाजा में भी हर तबका फ़िक्र के लोग, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने शिरकत की. ही वॉज़ ए नॉन कंट्रोवर्शियल और नीचे ग्रास रूट से आया हुआ आदमी था और सेल्फ मेड आदमी था, जिस पे कोई एलिगेशंस आज तक कभी किसी ने को नहीं हुई. और फिर जो उसकी डिज़ायर थी, जो ड्रीम थी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, जिस तरीके से लास्ट स्टेज पर उन्होंने PhD की, आई मीन वो एक सपोर्ट करता है उनके करेक्टर को. He was very good man. Coming on to this line of control, ये जो इंडिया अब अपनी पुरानी उसी स्टोरी पर चल गया, why? What is the reason for this? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह तो कश्मीर है. अभी कश्मीर में जो अभी मूवमेंट, एक इंतफादा शुरू है, और आज अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 121वां दिन है कर्फ्यू का. आप देखें कि कॉन्टीन्यूस, आई थिंक दिस इज़ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 121 दिन कॉन्टीन्यूस कर्फ्यू है. लोगों को पैलेट गन से मारना, 115 बच्चे शहीद हो चुके हैं. वो वानी से, बुरहान वानी से शुरू हुआ और आप देखें कहाँ तक बात पहुँच गई है. और आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता ये हमारे मुल्क में हो कि एक खित्ता हो आपके ज़ेरे निगरानी और उसमें दुश्मन मुल्क के झंडे लहराए जा रहे हों, वो अपने शहीदों को पाकिस्तान के फ्लैग में दफन करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो भारत का कंफ्यूज होना, भारत का बुखला जाना एक फितरी अमल है. मैं समझता हूँ बुखलाया हुआ भारत है और ऊपर से CPAC का डंडा भी उसके सर पर पड़ा है. तो अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो दुनिया की तवज्जो कैसे हटाए. तो वो ये जो डेली फायरिंग करना, बेगुनाह शहरियों को शहीद करना,
कभी फौजियों को शहीद, ये फौजियों का तो अभी पहली दफ़ा मेरा ख्याल इस पहल में हुआ है, वरना जितने इनोसेंट सिविलियंस शहरी बच्चे औरतें शहीद होती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको क्यों उनको इसका ख्याल नहीं आता। मेरा ख्याल है मोदी इज़ दी मैन बिहाइंड दी गन, वो इस सदी के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आपको पता है कि जो गुजरात में उन्होंने किया और उसके बाद उनका दाखिला अमरीका में ममनू था, क्योंकि ये दहशतगर्द गिने जाते थे, ये तो अल्लाह ताला ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और अभी वो। लेकिन जनरल साहब, आप एक चीज़ को कॉमन सेंस, बल्कि आप तीनों मुझे इसका जवाब दें। आज 14 नवंबर है, गुरु बाबा नानक की आज एनिवर्सरी है। मुझे ये बताइए कि आज आप उस दिन फायरिंग कर रहे हैं जब आपके अपने यात्री यहाँ आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आप किस किस्म का प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं अपने आप को? आप देखें, हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान अंडर प्रेशर नहीं है, वहाँ सिख अंडर प्रेशर हैं, वहाँ दलित अंडर प्रेशर हैं, वहाँ ईसाई अंडर प्रेशर हैं। आप पता है, एक ईसाई जोड़े को किसी दूसरे मुल्क के थे, उन्होंने कोई टैटूइंग कराई और उसके लिए उनको मार मार के अधमुआ कर दिया। उनमें टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, वो किसी और को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके गुरुद्वारा और ये हिंदुओं का या कोई त्यौहार या उनके सामने आते हैं। क्यों जी? जी बिल्कुल विजय, मैं इंडिया का ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि जी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हम मईशत उनके साथ करें। आप किसानों के हवाले से हमारे भी तहफ़ात रहे हैं और हैं कि जी उनके साथ करें, लेकिन वो दहशतगर्द है, जिस तरह जनरल साहब ने कहा है वो दहशतगर्द है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की यहाँ आंखें बंद क्यों होती हैं, या जो यूरोपियन हैं उनकी आंखें यहाँ क्यों बंद होती हैं? आपको कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं पानी बंद करके? सर, बेपनाह नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अभी आप देखें कि पानी की इतनी एकदम से शॉर्टेज हो गई है कि हम ये फसल जो है गंदम की ये नहीं बीज पा रहे, और हमारा पानी जो है वो जब चाहे बंद कर दे। और ये देखें कि ये 1948 का ये मसला है। मैं आपको ये थोड़ी सी जरा पीछे ले जाना चाहता हूं कि भारत कोई आज नहीं कर रहा है। आप उस वक्त इसने पानी बंद किया, इसने हमें ब्लैकमेल किया, और मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया, ये कोई तारीखदान ही बता सकता है कि जब हम हर चीज तकसीम कर रहे थे तो इतनी बड़ी चीज हमसे मिसिंग कैसे हो गई। हम ये जो फिरोजपुर है, अगर वहां तक का इलाका हम मांगते हैं उनसे कि वहां पे जो पानी का निजाम है वो वहां से आता है, आप देखें फिर उन्होंने हमारी जो है वो गर्दन पे लात रखी, और फिर उसके बाद उन्होंने हमसे मनवाया, और फिर हमें वो मुआहदा करना पड़ा। सन 60 में अयूब खान ने वो मुआहदा किया, लेकिन हम आए दिन जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हमारी हुकूमतें जो हैं जितनी भी हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि ये हमारी बका की जंग है। आज अगर कश्मीर के अंदर बात है पीजे, तो और क्या जंग क्या है, यही जंग है कि वहां से दरिया आते सारे, और वो वहां पे कभी कोई डैम बनाता है, कभी कोई डैम बनाता है, लेकिन हमारी हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही, हमारे सियासतदान नहीं कर रहे। हम ये बात कह रहे हैं कि 10 साल के बाद जो है वो यहाँ पे बेतहाशा जमीन बंजर होगी, अगर ये अभी से इंतजाम न किया गया और इंडिया का हाथ न रोका गया तो ये दहशतगर्द है। मोदी दहशतगर्द है, इंडिया वाले दहशतगर्द हैं, ये लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा बच्चा बच्चा जो है वो जज्बाती है और वो अपनी जान कुर्बान कर देगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो पाक फौज के जो शहीद हुए हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, उन माओं को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आएंगे, क्योंकि देखें वो कहते हैं एक लफ्ज़ है, एंड आई होप आई एम टेरिबली रॉन्ग, कि व्हेन अ पुश कम्स टू अ क्रंच, जिस तरह के ये अभी कह रहे हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ किसान ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, तो अगर आपके किसान बंजर को कुछ उगा नहीं सकेगा, बिल्कुल बंजर हो जाएगी ज़मीन, वॉट विल यू डू? Will you fight a convention warfare or will you go on to the other side? General Musharraf ne to aapne suni liya hai ki kya kiya hai, ki if necessary to phir then we have an answer what to do with it. Major Zaheer kya kehte hain, let's listen to him just after this break. Welcome back. Ab Hindustan jo kar raha hai hum kya kare, हमारी लीडरशिप एक ज़रा तकड़ा एक बयान क्यों नहीं देती है, ज़रा उनको मुंह तोड़ जवाब दें कि लुक गेट ऑन विद इट और एल्स, क्यों मेजर साहब, व्हाई, हम किसका वेट कर रहे हैं?
देखिए पीजे, जो कश्मीर का इशू है इससे सबको पता है बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, वायोलेशन अरसा दराज से हो रही हैं। सबसे पहले हमें मजम्मत करनी चाहिए जो 7 जवान हमारे शहीद हुए, जो उनकी जारियत की गई है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिर ये इसका सलूशन क्या है। लाइक हिस्ट्री को अगर आप देखें तो कभी भी अल्टीमेटली दोनों नेशंस को डायलॉग पे आना पड़ा है। मुशर्रफ का टाइम देख लें, कारगिल का टाइम देख लें, आज का टाइम भी देख लें, देखें दोनों कंट्रीज़ जो हैं लॉस पे हैं, ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिकल लॉस। तो इसका कोई एक वजह, अल्टीमेटली आज हम जितनी मर्जी हम जारियत करते हैं, चाहे पठानकोट का वाक़या हो, उड़ी का वाक़या हो, हमारी उनकी जो इंटरफेरेंस है हमारे बलूचिस्तान के अंदर, इस जैसे वाक़यात दोनों कंट्रीज़ के मफाद में नहीं है। सो नो वट आर द इशूज़, हमें देखें दोनों नेशंस को एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली देखें न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, द वार इज़ नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर जो कंसर्न्स क्या हैं, देखें हमें देखें मेरे साहब, आप कहते हैं द वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन बट दिस इज कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 70 इयर्स। ओके, दिस फॉर द लास्ट 70 इयर्स। नाउ द इंडिया जो है इकोनॉमिकली बहुत, उसने इंटरनेशनली अपने आप को स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बना लिया यूएसए का, जो उसकी इंटरनेशनली जो उसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज़, ये कन्फेस करना चाहिए उनकी जो डिप्लोमेसी है दैट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान, एग्रीड। ओके, नाउ अगर वो है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक है। अभी सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, कश्मीर काज जो है एक जो पीसफुल मोमेंट थी वो एक बैक स्टो बैक जो साइड्स पे जा रही है, और ये जो वायोलेशन जो है जिसको उन्होंने हवा दी हुई है ये एक बिल्कुल फ्रंट चीज़ आ गई है। नाउ इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहे हैं, हमारा जो सबसे पहले अगर आप देखा जाए जो सी पैक, विच इज़ ए आई मीन एक किरण है, उम्मीद की किरण है हमारे लिए, इसको बहुत बड़ी एक थ्रेट है, आई मीन इंटरनेशनल जो फर्दर इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो एक बहुत बड़ा थ्रेट चैलेंज हो जाएगा। क्यों जी, यू रियली थिंक लाइक दैट जनरल साहब? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन तो जो है वो है, आप देख रहे हैं कि वी आर इन अ वॉर फॉर द लास्ट, यस आई जस्ट पुट यू ऑन पॉज फॉर सेकंड। आप तीन यहाँ बैठे हैं, यहाँ 70 चैनल और हैं, वहाँ भी तीन वहीं बैठे हैं, बात तो वही कर रहे हैं, मजम्मत कर देंगे, मजम्मत होगी। व्हाट इज दिस मजम्मत? मैं इसके तीन पहलू आपको बताऊँगा। ये जो सीज ये वायलेशन हो रही है ना, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ, उनको जवाब दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी की ये पॉलिसी है कि जो लोकल कमांडर होता है उसको पीछे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब उस पर फायर होता है ही इज़ सपोज टू फायर बैक एंड ही इज़ सपोज टू सेटल द स्कोर, वो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह फौज। दूसरा पहलू है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अभी आप मुझे बताएं कि हमें ये सोचना चाहिए कि उनके एक गोले से या गोलाबारी से 7 लोग क्यों शहीद हुए, हमारे बंकर क्यों इंडियन बंकर से कमज़ोर है। वी नीड टू टेक सर्टन स्टेप्स, वी परहैप्स नीड टू टेक पीपल टास्क, रीएसेस, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी ना। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको क्यों नहीं उठा सक रहे हैं। देखें हमारे इस गवर्नमेंट को हुकूमत में आए हुए 3.5 साल हो गए हैं, ये अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं मुकर्रर कर सके। हम कहते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, हम बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है डिप्लोमेटिकली, तो अगर उसमें हम ज़रूरत ही नहीं महसूस करते। देखें पहले तो हमारी नीयत हो ना मसले को सॉल्व करने की, फिर आप देखें कि क्या शोहरत है। शोहरत इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी शोहरत है पाकिस्तान दुश्मनी की। आप किसी से उनका पूछें, ही इज़ ए सिंबल ऑफ एनिमिटी फॉर पाकिस्तान, ये उनकी शोहरत बनी हुई है। अगरचे वो पाकिस्तान आए, उन पर प्राइम मिनिस्टर के घर गए, उनके जाती फंक्शन अटेंड किए, गिफ्ट एक्सचेंज हुए, इसके बावजूद उनकी शोहरत वहाँ क्या है कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर एक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या शोहरत है कि ये हिंदुस्तान का दोस्त है, ये इज वेरी सॉफ्ट ऑन इंडिया। वो हर यू रियली थिंक ही इज सॉफ्ट? आपने कभी कुलभूषण का नाम उनकी जुबान से सुना? मैंने नहीं सुना। वो यूनाइटेड नेशंस गए, क्या उन्होंने उनका नाम लिया? क्या उन्होंने आज जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे थे परवेज मुशर्रफ इज नॉट द रूलर टुडे। अगर उन्होंने बहुत बड़ी बात की है तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन हु शुड एक्चुअली बी स्पीकिंग? जो हमारे अभी हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों बात नहीं करते? तो मैं समझता हूं कि हमें सोचने की जरूरत है, और ये हम एक ग्रिड पे क्यों नहीं है? जो आवाम सोच रहे हैं, जो आप और मैं सोच रहा हूं, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं सोच रहा? तो इसका मतलब है उनका आप क्यों प्राइम मिनिस्टर को क्यों डाउट करते हैं? आई दिस इज हाउ द रियलिटी इज, ये परसेप्शन बड़ी मुश्किल से बन। देखिए वो सरबरा है, देखिए ही इज गॉट अ गुड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और क्या चाहिए आपको? नहीं सर, आर्मी अपना काम कर रही, गुड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर हिज डे ऑफ रिटायरमेंट।
कौन आप देखें कितने सियासतदान उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पर नजर रख के बैठे हुए हैं कि वो डेट रिटायर होंगे तो शायद उनके बाद कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आएगा। यू मे हैव ए टफर वन। क्यों जी सर, हमें अपनी हमें अपनी पॉलिसी जो है ये हम ये क्यों नहीं बनाते। पहली तो बात यह है कि आपने देखा कि खारजा पॉलिसी जो है वो वजीर खारजा नहीं, क्या कमी है? नहीं, कमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम दलेरी के साथ, अब हमारा हर बंदा जो सियासतदान है वो डरता है बयान देते हुए। अभी क्वेटा में इतना बड़ा वाकया हुआ, आपने देखा कि किसी ने खुल के कहा कि ये इंडिया ही है, वो ही करने वाला है, उसके अलावा किसी को कोई कोई तकलीफ नहीं। क्यों जी, इसमें पीजे आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि अगर आप ये देखें कि ये तो एक बात कन्फर्म हो गई है कि हम इंडिया को हर तरह से भरपूर जवाब दे सकते हैं। ओके फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, जो अभी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, एक पेज पे क्यों नहीं है। नाउ ये एक ईगो फैक्टर्स जो है इसमें से निकलना पड़ना है। नाउ ये सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट दे हैव टू डिसाइड, यानी कि ये जो ईगो से बाहर निकल के हु इज गोइंग टू ड्राइव फर्स्ट, ठीक है, और इसको अल्टीमेटली दे हैव देयर ओन डोमेन्स, दे हैव देयर ओन डोमेन्स। ओके, वंस दे हैव देयर डोमेन्स, नाउ हु इज नॉट डूइंग हिज जॉब? ओके, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल फोरम पे दो टू वेज, आइदर डायरेक्टली विद डायलॉग विद इंडिया, देखो मुशर्रफ हैज टेस्टेड हिज ऑल एफर्ट्स, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। ओके, सेकंड चीज़ ये है, हमें इनडायरेक्टली भी मेजर्स इख्तियार करने पड़े हैं टू ब्रिंग द इंडिया ऑन द डायलॉग्स टू मूव फॉरवर्ड। ये हमारे इंटरेस्ट में है, ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में भी है, और ये दोनों नेशंस जानती भी हैं। अल्टीमेटली देखिए ये जो लॉ, ये जो आज आप हो रही है, टेबल पे लेके आएंगे अच्छा देखिए इसमें कैसे लेके आएंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि वजह क्या है। अभी ये जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो फॉरन ऑफिस है, जो हमारी जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है, देखिए नवाज शरीफ उसको अफगानिस्तान से चाहे जैसे भी है वो ले आया। ओके, वन फैक्टर। अच्छा, अभी दिस इज़ द टाइम कि इसको किस तरीके से आगे डायलॉग, अभी इंडिया शुड नो, जहाँ तक रहा हमारी आर्मी की प्रिपेयरनेस का ताल्लुक, जहाँ तक रहा हमारी इफेक्टिवनेस, दैट इज़ टू मच, इंडिया कैन नॉट डेयर टू अटैक एनीवेयर, वो भी जानते हैं। अच्छा, पहले जो रूटीन की वायलेशंस तो होती थी, नॉर्मल स्मॉल आर्म्स की होती थी, अभी वो मिलान उन्होंने जिस तरह ये गिगले सेक्टर में फायर किया, बंकर्स फायर करना शुरू, अच्छा उसका हमारी जो आर्मी ने भरपूर जवाब दिया। ओके, ख़त्म। Now, what is the way forward? The way forward is we go for a break. Okay. We'll go for a break, aur break ke baad hum wapas aate hain because this is really very serious. Ek department hai pura aapke liye, ministry Pakistan ke, that is the Ministry of Foreign Affairs, ke jahan aapka secretary foreign affairs comes through a career based and a career line. Baki ek secretary ek education hota hai, uske din aap us secretary agriculture laga dete hain, wo agriculture hota hai, uske baad wo commerce mein chala jata hai, commerce ke baad wo kisi aur department mein chala jata hai, which means we don't have the right people for the right job. Why is that? Ye bhi hum baat karenge. And then of course ye jo latest story bhi aa gayi hai ke lawyer change ho gaya hai Nawaz Sharif sahab ke bachon ka, ye kyun hai, is pe bhi hum baat karenge is break ke baad. वेलकम बैक। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बात कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इस वक्त जो सूरत हाल है आपको अपडेट तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो इंटरनल हमारी फायरिंग हो रही है, ये तो एक्सटर्नल बॉर्डर पे तो हो रही है, ये जो इंटरनल फायरिंग्स अब शुरू हुई हैं, इमरान खान फायर कर रहा है, कभी शेख रशीद फायर कर रहे हैं, दूसरे फायर कर रहे हैं, ये ओवरऑल आज की पिक्चर के अंदर हाउ मच ऑफ अ डैमेज डू थिंक दिस इज़ डूइंग टू द कंट्री? देखिए, आई थिंक इट इज़ डूइंग ए लॉट ऑफ डैमेज, क्योंकि आप एक यूनाइटेड फ्रंट तो प्रेजेंट नहीं कर रहे, सारी दुनिया आपको देख रही है कि 3.5 साल हो गए हैं, यह कोई इलेक्शन इसको नहीं मान रहा, कोई कह रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो सही नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट हिम एज प्राइम मिनिस्टर, कोई कह रहा है स्पीकर को हम स्पीकर नहीं मान रहे, अभी वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या टर्किश प्रेजिडेंट आ रहे हैं, और आपकी एक बड़ी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम उधर बैठेंगे नहीं, जब ये आप प्रेजेंट करेंगे दूसरे मुल्कों को, ओवरऑल विल दिस नॉट बी एम्बैरेसिंग टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? इट विल बी, व्हाई नॉट? मेरा ख्याल है वी ऑल नीड टू पुट आवर एक्ट टुगेदर, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान का अगर काम है अपोजिशन का काम करे, लेकिन एक फॉरेन डिग्निटरी, एक दोस्त मुल्क का सदर आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बैठना चाहिए। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि हम नवाज शरीफ का गिला करते रहते हैं कि असेंबली भी नहीं आते, तो इमरान खान कब आते हैं?
इमरान खान अगर समझदार आदमी हो तो वो असेंबली में आके वो जो स्पेस छोड़ी हुई है उसको ऑक्यूपाई कर लें। वो असेंबली में एक बहुत बड़ा फोरम है जहां वो आके अपना मुकदमा लड़ें, लेकिन वो बस एक से बहाना मौजूद है कि वो नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मैं आऊँगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये ईगोस की जंग लड़ते रहेंगे तो अपने अपनी पार्टी का सोचेंगे तो इस मुल्क का कौन सोचेगा। लेकिन देखें जनरल साहब एंड आप दोनों भी ये देखें कि ही इज़ लाइक इट और नॉट, जिस तरह लाइक इट और नॉट डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक इट और नॉट नवाज शरीफ इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, आप उसके साथ क्यों बीन फंसाते हैं, मुझे बताएं। सही बात है भैया, गुजारिश ये है कि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर रिवाज ही नहीं है कि आपसे कोई पूछ सके कि आप क्या कर रहे हो। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कानून है तो गरीब के लिए है, और जो ताकतवर होगा जो अमीर होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। कोई एक मिसाल मुझे दे दें आप, मैं कहता हूँ कि मैं अभी आ रहा था, या हमारे जो सियासी लोग हैं, माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि खुदा की कसम ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम, ये हमारे हकूक़ की, आपके हकूक़ की, ये पब्लिक के हकूक की बात नहीं करते। इनकी मेराज क्या है कि इन्होंने पार्लियामानी सेक्रेटरी बनना है, इन्होंने मिनिस्टर बनना है, बाखुदा हम इनमें बैठते हैं और बैठ के इनकी बातें जो सुनती इनकी इंतहा क्या होती। इनको पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके मसाइल से कोई नहीं। मेरा मसला क्या है, मेरा मसला दाल है, मेरा मसला घी है, मेरा मसला आटा है, मेरा मसला क्या, मेरा मसला तो नहीं डिस्कस होते, ना मीडिया सही तौर पर डिस्कस करता है और ना ये सियासतदान डिस्कस तो करते हैं। तो इनको वोट से आते हैं ना, वैसे तो नहीं आते हैं। सर मैं इस बात में इमरान खान को सही समझता हूं कि वो जो ये शोर मचा रहा है कि वोट का सिस्टम दुरुस्त नहीं है। सर आप ये देखें कि आज बल्दियाती इलेक्शन को हुए हुए कितना अरसा हो गया पीजे, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। आप ये देखें कि 5 दिसंबर को हुए थे, मैं भी इलेक्शन लड़ा, हम जीते और वहां पर अभी तक नाव चेयरमैन बने पंजाब के अंदर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, क्यों जी? अच्छा देखें बीजे, अभी आप जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान, अभी आप देखें इमरान खान ने को 3.5-4 साल की जो इतने अरसे से धरना 126 दिनों का, फिर रैली पे रैली, जलसे पे जल, इसका एक फैक्ट तो है, ठीक है, ही वाज ए गुड ओपोजिशन लीडर, वन फाइन। नाउ क्या उसने कोई अचीव किया, क्या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो अभी एक साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे फिर यही सिस्टम दोबारा रिपीट होगा क्या? इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं पनामा लीक्स की, आप मुझे ये बताएं, जब मुशर्रफ का दौर था तब नवाज शरीफ वगैरह के बारे में हर चीज़ खंगाली गई होगी, हर चीज़ निकाली गई होगी, क्या वो इतने मासूम थे कि उनको वो उस चीज़ को उन्होंने ठीक नहीं किया होगा? क्या वो चीज़ प्रूव हो जाएगी अभी जस्ट बिकॉज ऑफ वन लाइनर जो एक न्यूज़ आई है? ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। नाउ अभी आप आगे चलें कि ओवरऑल जो सिनेरियो में जो डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है जो हमारी सोसाइटी में, वो आ रही है बेसिकली जस्टिस सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम जो लोअर कोर्ट्स का है और सेम इज़ दी हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स, क्या उस पे लोगों को स्पीडी जस्टिस मिल रहा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक किसी भी माशरे के अंदर जंगल का कानून को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जब आप जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे लोअर कोर्ट्स का हो हायर कोर्ट्स का हो, ये एक प्रॉपर इंसाफ मिलता जाए। ये किसानों की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ही नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे जब मीडिया किस चीज़ के बारे में बात करता है तो वो केस सुना जाता है, यहाँ तो केस ही नहीं लगता, 6-6 माह 1-1 साल फैसला नहीं होता। तो इसकी एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंटली देखा है। सो देखें, ये वो स्टेप्स हैं जिसके अंदर ओपोजिशन लीडर का काम होता है गवर्नमेंट को करेक्ट करना। हाँ, आई विश कि इमरान खान जो मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट करता है वो कुछ कम से कम 60-70-80% पे कुछ अचीव करता, कुछ गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हल करवा लेता, वो सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म भी ठीक करवा लेता, मैं उसको क्रेडिट देता, पूरी नेशन उसको क्रेडिट देती। होता ये है जब एक एक मैक्सिमाइजेशन पे जाते हैं कि ओके जी प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन, सो ऐसा नहीं होता, ही इज़ अगेन इलेक्टेड। क्यों जी? कि 100% वो सही नहीं, कोई भी सही नहीं होता, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत इस मुल्क में जवाबदही का अमल चल रहा है वो इमरान खान की वजह से चल रहा है। अब देखें, और एक लफ्ज़ में अगर इस मुल्क का आपको मैंने हल बताना हो तो वो है अकाउंटेबिलिटी। आज एवरीबडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज डूइंग्स, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। और सबसे पहले इसे ऊपर से शुरू होना है। अगर ये, मैं समझता हूँ पनामा लीक्स एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, ये अदलिया का इम्तिहान है, अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक मुल्क मुख्तलिफ ट्रैक पर चला जाएगा। लेकिन जनरल साहब आप मुझे ये, बल्कि तीनों आप जिसका जवाब देखें, जब आप कहते हैं इमरान चले, उसने धरना किया, हर चीज़ किया, फाइन। ये जो दूसरे अब आगे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
आर दे प्रोटेस्टिंग और डिसरप्टिंग? आपके डॉक्टर्स जो हैं ये बैठ के रोडों के अंदर बैठ गए हैं, दूसरे आता है वो वासा वाला आता है वो रोड के अंदर बैठ गया। देखिए सोशल हमने किया, ये सोशल जस्टिस जो नहीं है, देखें जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, हुकूमतों से इंसाफ, देखें यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ता है। नहीं अब नहीं है सर, अब नहीं है। अब द पुलिस इन पंजाब, आई कैन वाउच, आई हैव सीन व्हाट दे डू। आप जाएं आईजी ऑफिस के अंदर, देखें कि द लेटेस्ट मॉडर्न मैकेनिज्म लगा है। गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू सर, वो आप जरूर दें। जब तक नियत ठीक नहीं होगी ये क्रेडिट जो अब मर्जी आप मशीनरी लगा लें। देखें तीन सालों से मैं सब सॉरी, मैं आपसे आपकी ये जो ये स्टेटमेंट देने वाले, जरा ब्रेक के बाद लेते हैं, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखें जहाँ क्रेडिट आपने देना है उसको दो, पुलिस आप जाके देखें, इफ़ यू डू नॉट, आपके FIR रजिस्टर नहीं होती है, आई कैन टेल यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। जो भी SHO है, जो भी ऑफिसर है, ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज इट इज़ ऑल कंप्यूटराइज नाउ एंड गेटिंग बेटर एटलीस्ट फॉर द मोमेंट। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑफ कोर्स इंटरनल जो फायरिंग हो रही है इसका क्या करेंगे, एंड देन द चेंजिंग ऑफ द लॉयर, ये क्यों है? क्योंकि हर आदमी पूछता है, हाँ जी वो तो हमारी फौज इसको संभाल लेगी, बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये अंदर कौन संभालेगा? देखें जी, लॉयर को चेंज करने की तो एक ही बात समझ में आती है, पुराने लॉयर माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं, कहीं चले तो नहीं गए ना, उनको क्यों चेंज किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी शुरू से इस बारे में ये रही है कि गेन टाइम, और जैसे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सब तारीफ़ करते हैं और सब उसकी डेट सबको याद है रिटायरमेंट की, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 29 तारीख खैर खैरियत से गुजर जाए, कभी लॉयर चेंज करें, कभी स्टांस चेंज करें, और घसीटते घसीटते 29 तारीख के पार चले जाएं तो फिर हम संभाल लेंगे। तो देखें, अगर जुडिशरी इस इम्तिहान में कामयाब होती है तो वो ये साजिशें कामयाब नहीं होने देगी। उस लॉयर को कहा जाए कि भाई आप मुकदमा लड़ें, आप इन पिक्चर नहीं हैं, आप इन पिक्चर हैं तो मुकदमा लड़ें, वाई डू यू वांट मोर टाइम? अगर उसने कहा जी मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दें, और फिर उनकी रिश्तेदारी आपको पता है किन से है, उनके बेटे माशाल्लाह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, शर्जील शेख उनका नाम जी, अदनान शर्जील शेख, तो ये सारी रिश्तेदारियाँ, मतलब एवरी प्रोफेशन हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री, वो उसमें मौरूसियत चल रही है। लेकिन गवर्नर सिंध नहीं है, गवर्नर सिंह तो जी वो आप लोगों ने, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनको ज़िंदगी दे, लेकिन वो लोगों सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो अस्पताल पहुंच गए। तो ये मेरा ख्याल है इट इज़ वेरी आयरॉनिक, नोबडी लुक दैट इज़ हेल्थ, मतलब ऐसे ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं कि इस मुल्क में पटवारी भर्ती होने के लिए भी आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा, सदर और गवर्नर के लिए आपको सिर्फ नब्ज चलनी चाहिए। आप बात कर रहे थे के पनामा लीक्स की, कि इसका क्या बनेगा, मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो ताकतवर तबका है, अब आप इन मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे बात सुनो, मेरी पुकार सुनो, मेरा दर्द सुनो, मेरा कि किसान मर रहा है। आप ये देखें कि 180 रुपए रेट गन्ने का, लेकिन ये गवर्नमेंट किसान फ्रेंडली है, ये तो आप नहीं मैं सच्ची बात करता हूँ। आप ये देखें कि 180 रुपए रेट हमने अपील की, अभी 4-5 दिन पहले हमने वहाँ एहतजाज किया कि यार इसका रेट बढ़ाओ, चीनी का रेट अगर 45 रुपए से 75 रुपए आ गया है तो हमारा हक बनता है, हमें हमारा हक दो, हमें ये चाहिए, हमें कॉटन की फसल का रेट चाहिए। हम कहते हैं जरी पैकेज हमें नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हम ये दरख्वास्त करते हैं प्राइम मिनिस्टर से भी, चीफ मिनिस्टर से भी, हम ये इल्तजा करते हैं कि हमें आप खुदा के लिए हमारी फसलों के रेट दो, हम इन मसलों को हल करो तो हम, या आप देखें पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप ये देखें आज डेनमार्क का जो किसान है, मैं अगले दिन देख रहा था, वो इतना खुश है कि उनके हर चीज़ इंश्योर्ड है, उनको कोई फसल उनकी ख़राब हो गई उनको उसका मुआवजा मिलेगा, कोई आफत आ गई उनको उनका मुआवजा मिलेगा, यहाँ कोई नहीं पूछता। और ये पूरा आपका निज़ाम जो है मुल्क का, ये ज़राअत पर चल रहा है, और ये देखें कि 50 लाख पीजे 50 लाख फार्मर है पाकिस्तान का, जिसमें 50% जो है वो छोटा फार्मर है। आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही सर? नहीं मिल रही सब्सिडी भी उनके लिए, उन ताकतवर लोगों के लिए। आप देखें कि पिछली दफा इन्होंने 7 अरब एक दी, 5 अरब एक दी इन्हीं शुगर मिल वालों को, और फिर जरी पैकेज। मुझे एक हमारे MNA साहब
कहने लगे कि आपने जाना है लेकिन बोलना नहीं है। मैंने कहा भाई मैं इस तरह मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं जो जायज़ बात है मैं हुकूमत का खैर खा हूँ, मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये उन्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि जिस मकाम पे वो बैठे हैं उनको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। ये हमारे सियासतदान जो है ये असम्बलियों में जाके कोई बात नहीं करता, हर MPA हर MNA के दर पर मैं गया हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आई वॉन्ट टू कम टू वन कंक्लूजन, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में वो पैनामा का तो नाम शुरू हो गया, बाय द वे ये पैनामा है, पाकिस्तान में पनामा लगे हुए सारे, पैनामा भी हैं जी, कुछ लोग पजामा भी ले, वो हाँ वो एक दो हैं पॉलिटिशियंस। द क्वेश्चन अराइजेस, इमरान के पास ये प्रूफ कहाँ से आया, जो कि आपने पहले कहा है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त के अंदर उन्होंने हर चीज़ एग्जॉस्ट कर दी, कोई कुछ भी नहीं निकला, देयर वर नो केसेस, ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं, आपने कहा है ना, ओके मैं आपको मुझे बताएं, वो तो यहां से चले गए थे, इसमें पहले आई विल कंटिन्यू जो अभी ये मेरिट सिस्टम की जो बात हो रही थी, जो नवाजने की बात हो रही थी, देखें पीपल्स पार्टी हो, काफ लीग हो, और हम करंट की बात करते हैं क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि एक दूसरे को नवाजना, ये स्टार्ट से है। अगर आप 80 से देखा जाए तो हर एक को किसी ना किसी को नवाजा जाता है। करंट सिचुएशन में आप देख लें अपॉइंटमेंट ऑफ द सिंध गवर्नर जो है वो क्या अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कतर का जो एम्बेसडर है ही वॉज ए MCB का एक मैनेजर होता था, नाउ इज़ एम्बेसडर, ही इज़ प्रॉबली फ्रेंड ऑफ हमारे जो खादम आला के शायद प्रॉबली बेटे हैं। आप ये देखें कतर के अंदर क्या हालात है, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा वहाँ बंद है और इंडियंस ऑन अराइवल वीज़ा है, ओके इट इज़ जस्ट सो दिस, ये हमारे हालात, जब मेरिट को हम फॉलो नहीं करेंगे पीजे तो फिर हमारी तजलील दुनिया के अंदर ऐसे होगी। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, ठीक है प्रोगेटिव है वो तो है, तो फिर प्रोगेटिव है तभी तो इसीलिए हम नेशन नहीं बन पा रहे ना, होता है लेकिन उसको इट हैज टू बी यूज्ड जुडिशियसली। देखें जब अपॉइंटमेंट की मुझे अथॉरिटी दी गई है, आई कैन अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका प्रिविलेज है कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहें जी कि मैं हमजा शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता हूँ, ये तो नहीं कर सकते ना, ने मरने बन के, वही मैं कह रहा हूँ। आगे बताएं जी। ओके जहाँ तक देखें अभी हम बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि अदालतों का ट्रायल है, अदालतों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन आप देखें तो जज साहिबान हैं वो किस चीज़ पे फैसला करेंगे, वो मीडिया टॉक शो पे देख के फैसला करेंगे, क्या वो कोई प्रूफ्स देखेंगे, सुमो मोटर्स हुए हैं उनको वहाँ पे जब अदालत के अंदर जब भी कोई फैसला होता है, तो जहाँ तक मैं लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जो वो कंक्रीट एविडेंस की बेस पे होता है। मुझे ये बताइए, माय क्वेश्चन टू यू, माय क्वेश्चन जी, ये इमरान के पास ये कहाँ से ऐसा एविडेंस है, वही एविडेंस है जैसे इन्होंने धांधली के अंदर PTI ने प्रूफ दिए वहाँ पे, इसी तरीके से ये प्रूफ यहाँ भी देंगे। देखिए पीजे ख्वाजा आसिफ इज एंड यू नो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो PTI के लिए, आप देखें पनामा, ये जो पनामा लीक की जो इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ से उनकी जो खबर है, इस बेस को बना के और कुछ मनी ट्रेल्स के, अच्छा उसने उस प्रोग्राम में कहा, सो ये कंक्रीट एविडेंस नहीं होते, आई थिंक सो, आई एम नॉट लाइक ये, सो जजों को जुडिशरी को ये कह देना कि उनका ट्रायल केस है जस्ट बिकॉज ऑफ एन अजम्पशंस, ये गलत होगा, इसमें ये देखना पड़ना है। देखें वो माने, ये देखें अब आधा केस तो हल हो गया है, वो जो उन चीज़ों के मालिक हैं वो मान गए हैं कि ये कंपनीज हमारी हैं, अभी उन्होंने प्रूव करना है कि वो ये जायज़ पैसे से बनी है और मनी ट्रेल कहाँ से कहाँ गया। जनरल साहब सटन प्लेस एक दफ़ा कहा था कि किसी का है, उसने कहा मेरा नहीं है, फिर जब केस खत्म हो गया उसने कहा मेरा है, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल ठीक बात, तो दैट मींस द जुडिशरी फेल्ड। देखें वरना अगर एक आम आदमी को समझ आती है तो जुडिशरी वाले तो हमसे बहुत काबिल लोग हैं। आई थिंक मोर टू द पॉइंट योर ब्यूरोक्रेसी फेल्ड बिकॉज दे फेल टू ब्रिंग अ केस इन फ्रंट ऑफ द जजेस, दैट इज द बॉटम, लेट अस सी एंड लेट अस होप। देखिए इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बनाया है तो इसको बचाना भी तो है ना अल्लाह ताला ने, तो कहीं से जवाबदेही का अमल शुरू होगा तो बचेंगे ना। चलिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड ऑफ कोर्स कल शाम को मेरे साथ यहाँ दो एक्सपर्ट्स होंगे ऑन इकॉनमी, इनसे बात होगी, क्योंकि अगर आपको खाने और पीने की चीज़ नहीं मिलेगी, ये तो डिस्कशंस तो होती रहती हैं कि उसने ये किया, फलाना ने ये किया, आज केस आ गया, कल एविडेंस हो गया, दीज थिंग्स विल कंटिन्यू। द क्वेश्चन राइजेस कि आपकी ये जो फॉलोइंग एक्सपर्ट्स हैं ये कितना आपको तंग करेंगी, दुख देंगी, ये तो आपको पता चलेगा। आज 74 आप कह लें कि बिलियन का इस वक्त आपके पास एक डेफिसिट है, आगे क्या होगा डेफिसिट, बताया जा रहा है कि 110 बिलियन का डेफिसिट बाय द ईयर 2018 टू 2020 होगा, इस पे ये कौन रिकवरी करेगा, क्योंकि आपका कम से कम कुछ नहीं तो 30 बिलियन या 23 बिलियन ऑनवर्ड्स आपका, इतना तो आपका डेट सर्विसिंग में लग जाएगा एक्सटर्नल डेट्स पे, सो हाउ डू यू प्रपोज टू स्टे अलाइव इन द मीन टाइम,
टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन तो अब हर चीज़ पे लग गई आपकी. सो हाउ विल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्वाइव एंड कीप द पीपल हैप्पी? ये बड़े, मैं समझता हूँ, सीरियस क्वेश्चंस हैं जो कि आगे उठेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस वॉर और दिस आप कह लो कि ऑल्टरकेशंस ऑन द बॉर्डर, ये इस वक्त चल रही हैं. बट लेट्स होप फॉर गुड टाइम्स, लेट्स होप एंड लेट्स वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. खुदा हाफिज़.